राजा का लड़का हूँ मैं, राजा का। मेरे जोधपुर में 500-600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अरे क्या करोगे पुनीत भाई ऐसी प्रॉपर्टी का, जब तुम्हारी आईडी के अंदर एक भी मैजिक क्यूब नहीं है। शिट। मैं जानता हूँ गाइस, पुनीत भाई की तरह आप लोगों के पास भी मैजिक क्यूब नहीं होगा, इसलिए तो यार मैंने आज का वीडियो बना रखे है। हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले फ्री मैजिक क्यूब इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार, अब बहुत जल्द हमें इंडिया सर्वर के अंदर फ्री मैजिक क्यूब मिलेगा। एंड फ्री मैजिक क्यूब मिलने के साथ साथ हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर कुछ नए मस्त मस्त आइटम्स भी आने वाले हैं। वाओ, वेरी डेंजरस। हाँ भाई, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि फ्री मैजिक क्यूब भी हमको मिलने वाला है और हमारा मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट भी होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, आज मैं आप लोगों को ये टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। सत्यानाश हो भाई, पूरे मूड की ये दीदी और बोल के ऐसी की तैसी कर देती है। आज भाई आप लोग अब मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये दीदी मेरी वीडियो में ना आए। अब खैर, आज आ ही गई है तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर और भी बहुत ही सारा इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि गाइस, आज हम लोग हमारे गेम के अंदर आने वाले ड्रैगन की बात करेंगे। जी हाँ गाइस, अब गेम के अंदर ड्रैगन भी उड़ने वाला है। फिर यार, इसी के साथ साथ आज मैं आप लोग नेक्स्ट ईवो बंडल और नेक्स्ट ईवो गन के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, जो हमारा अपकमिंग OB44 अपडेट है, इस अपडेट के बाद कौन सा ईवो गन आएगा, कौन सा ईवो बंडल आएगा, सारा कुछ आप लोगों को ये वीडियो में पता लगेगा। एंड हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कैसे अभी आप लोग फ्री फायर के OB44 अपडेट के एडवांस सर्वर को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे खेल सकते हो, ये भी मैं आप लोगों को ये वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो? हाँ भिड़ो, मजा तो बहुत ही ज्यादा आने वाला है, इसलिए अभी हम लोग बातों में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो। हाँ चलो चलो गाइस, सबसे पहले मैं ना आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले नेक्स्ट ईवो गन के बारे में बताता हूँ। तो देखो गाइस, इस बार का जो OB44 अपडेट आने वाला है, ये अपडेट के बाद हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर अल्टीमेट अर्चीवर वाला ईवो G18 का स्क्रीन देखने को मिलेगा। और भाई आप लोग स्क्रीन पर अभी ये ईवो G18 का रिव्यू देखो, भाई ये बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। इसका डिजाइन, इसके ऊपर से जो इफेक्ट आ रहा है और जो इसका एनिमेशन है, मुझे तो सब कुछ ही बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बाकी मैं जानता हूँ गाइस, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये ईवो G18 में एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, इसके एट्रीब्यूट्स विजिबल क्यों नहीं है। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो फ्री फायर के OB44 अपडेट का एडवांस सर्वर आ रखा है, वो एडवांस सर्वर के अंदर से मैंने ये ईवो G18 का रिव्यू निकाला है। यही कारण है कि गाइस, यहाँ पर हम लोगों को एट्रीब्यूट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ गाइस, एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर किसी भी गन के एट्रीब्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो भाई अभी आप लोग नेक्स्ट ईवो गन के ऐसे ही रिव्यू से काम चलाओ। और हाँ, अभी आप लोग जरा मुझे कमेंट्स में भी बताना कि आपको ये ईवो G18 कैसा लग रहा है। हाँ भाई देखो, लेवल 4 तक तो ईवो G18 में कुछ खास है नहीं, बट जैसे ये लेवल 4 का होगा तो हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही कमाल का हीट इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गाइस, लेवल 4 में जो इसके एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, डबल डैमेज प्लस है, सिंगल रेट ऑफ फायर प्लस है, मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस में है। बस लेवल 4 के ही आप लोगों को एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे, इसके आगे एट्रीब्यूट्स नहीं दिखेंगे। तो अभी गाइस आप लोग लेवल 5 में अवेलेबल इसका किल इफेक्ट देखो, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग इसका फायरिंग इफेक्ट भी देखो, सब कुछ बहुत कमाल का है। यहाँ तो गाइस एक तरीके से देखा जाए तो भाई, अभी मैंने आप लोगों को नेक्स्ट ईवो G18 का ऑलमोस्ट कंप्लीट रिव्यू करवा ही दिया है, बट अभी जो OB44 का एडवांस सर्वर है, यहाँ पर इसका एक्सक्लूसिव इमोट का रिव्यू नहीं है और ना ही इसके एट्रीब्यूट्स अभी तक ऐड हो रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करो, आज मैंने आप लोगों को बस इतना फाइनल किया है कि नेक्स्ट ईवो गन ईवो G18 है। तो बहुत जल्द यार ऐसे ही मैं आप लोगों को इसके एक्सक्लूसिव इमोट का भी रिव्यू करवा दूंगा और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बता दूंगा। लेकिन अभी तो गाइस फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी गाइस हम लोग बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले नेक्स्ट ईवो बंडल के बारे में। जी हां गाइस, आज मुझे एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर से न्यू ईवो बंडल का भी फर्स्ट लुक मिला है। तो चलो यार, अभी मैं आप लोगों को न्यू ईवो बंडल के फर्स्ट लुक का रिव्यू करवाता हूं। जी हां, तो गाइस सबसे पहले अभी आप लोग स्क्रीन पर ये फेस देखो, यार ये फेस के PNG मुझे एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर से मिले हैं। एंड मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, ये दोनों ही फेस हमारे न्यू ईवो बंडल के हैं। जी हां गाइस, हमारा ईवो बंडल इस बार दो थीम पर रहेगा, एक येलो कलर की थीम होगी, एक पर्पल कलर की। मैं आप लोगों को बता दूं, बंडल एक ही होगा लेकिन वो दो थीम पर होगा, येलो और पर्पल। हाँ यार, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे एक ही बंडल के, जैसा कि होता ही है हमारे गेम के अंदर। बाकी अभी गाइस इनके रिगार्डिंग मुझे कुछ और भी एसेट्स मिले हैं, वो भी आप लोग स्क्रीन पर देखो। यार सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को बंडल का लुक देखने को मिल रहा है। जी हाँ गाइस, ये सब कुछ जो PNG आप लोग देख रहे हो मुझे हमारे गेम की फाइल के ही अंदर से मिली है। एंड ये वाली PNG को देख के आप लोगों को काफी हद तक पता चल गया होगा कि हमारे गेम के अंदर जो न्यू वीवो बंडल आने वाला है वो कैसा दिखेगा। बाकी फिर से गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, ये सारा कुछ PNG वगैरह आज ही के दिन मुझे एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर से मिला है। और हाँ, अगर आप लोग अभी चाहते
हो कि मैं एग्जैक्ट आप लोगों को न्यू इवो बंडल का रिव्यू ही करवा दूं, तो भाई उसका रिव्यू मैं आप लोगों को अभी तो नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर भी बस ये पीएनजी वगैरह ही अवेलेबल थी, तो मैंने ये पीएनजी आपको दिखाई। बाकी चिंता मत करो, आने वाले टाइम पे जैसे ही मुझे न्यू इवो बंडल का कंप्लीट लुक मिलेगा वीडियो वाला, तो मैं आपको उसका भी रिव्यू करवा दूंगा। बट अभी गाइस फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले नए ड्रैगन के बारे में। जी हां गाइस, अगर आप लोग ना फ्री फायर के 4 साल पुराने प्लेयर्स हो तो आप लोगों को पता होगा 4 साल पहले हमारे गेम के अंदर एक अपडेट आया था, जिस अपडेट के बाद हम लोगों को मैप के अंदर एक उड़ता हुआ ड्रैगन देखने को मिलता था। भाई ये ड्रैगन किसी को कुछ नहीं करता था, बस यार ये मैप के ऊपर उड़ता रहता था और बहुत ही मस्त एक आवाज निकालता था, क्योंकि थोड़ी सी डरावनी आवाज हुआ करती थी। लेकिन भाई गरीना ने इस ड्रैगन को हमारे गेम के अंदर 1 से 2 महीना तक रखा था, फिर इसको रिमूव कर दिया गया था। लेकिन अभी गाइस हमारे गेम के अंदर वापिस से ऐसा ही एक ड्रैगन आने वाला है, जिसका नाम रहेगा साइबर ड्रैगन। और गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ये साइबर ड्रैगन का रिव्यू भी देख पा रहे होंगे। रिव्यू क्या भाई, यहाँ पर एक पीएनजी टाइप की है, एंड ये पीएनजी गाइस मुझे हमारे गेम की फाइल के अंदर से मिली है। जो एडवांस सर्वर आज आ रखे, एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर से मिला है मुझे ये ड्रैगन। तो भाई इस बार के OB44 अपडेट के बाद ये साइबर ड्रैगन हमारे मैप के ऊपर उड़ता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि ये किसी को कुछ भी नहीं हार्म करेगा, बस ये उड़ता रहेगा। मस्त लगता है यार। बाकी आप लोग जरा मुझे कमेंट से बता रहा कि आप लोग क्या ये साइबर ड्रैगन के लिए एक्साइटेड हो या फिर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ तो गाइस देखो, अभी मैंने आप लोगों को इस बार के OB44 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट इवो गन के बारे में बता दिया है, इवो बंडल के बारे में बता दिया है, साथ ही साथ में आप लोगों को नए ड्रैगन के बारे में बता चुका हूं। इसलिए यार अभी हम लोग सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी गाइस हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले फ्री मैजिक क्यूब और मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में। हाँ भाई, ये मैजिक क्यूब के बाद में आप लोगों को एडवांस सर्वर का इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो अभी आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। हाँ तो गाइस सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर ये फ्री मैजिक क्यूब इवेंट देखो। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं यार, ये फ्री मैजिक क्यूब इवेंट के बारे में मैंने आप लोगों को आज से पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता रखे हैं, लेकिन अभी तक गाइस मैंने आप लोगों को ये फ्री मैजिक क्यूब इवेंट का कंफर्म डेट नहीं बताया था। तो अभी गाइस इस वीडियो में आप लोगों को ये फ्री मैजिक क्यूब इवेंट की कंफर्म डेट के बारे में बताता हूं। जी हां, तो गाइस देखो, ये जो इवेंट है ये रमजान स्पेशल इवेंट है, जहां पर हम लोगों को सबसे पहले लॉगिन करने पर 8 घंटे के लिए कस्टम कार्ड मिल रहा है, फिर 60 मिनट गेम खेलने पर 30 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, 90 मिनट गेम खेलने पर वापिस से 30 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, एंड एट द एंड 120 मिनट गेम खेलने पर 40 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं। तो देखो भाई, ये इवेंट के अंदर से आप लोगों को 8 घंटे के लिए कस्टम कार्ड मिलेगा, साथ ही साथ 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स भी मिलेंगे, यानी कि पूरा एक मैजिक क्यूब मिलेगा, क्योंकि 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट से ही एक्सचेंज करने पर एक मैजिक क्यूब आता है। तो ऑलराइट गाइस, अभी ये इवेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी फिर गाइस देखो, इस बार हमारे इंडिया सर्वर के अंदर रमजान इवेंट स्टार्ट होने वाला है 29 मार्च से, तो इसीलिए गाइस ये जो फ्री मैजिक क्यूब इवेंट है ये हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आएगा 4 अप्रैल के दिन। तो फाइनली यार मैंने अभी आप लोगों को फ्री मैजिक क्यूब इवेंट के बारे में बता दिया है। बाकी अभी यार अगर हम लोग बात करें मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में, तो देखो गाइस 1 अप्रैल के दिन हमारे इंडिया सर्वर का मैजिक क्यूब स्टोर ना अपडेट होने वाला है। एंड अगर गाइस अभी हम लोग मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट की बात करें, तो भाई इस बार का जो मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट होगा, वो अपडेट के बाद हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर 2 नए गन स्किन आने वाले हैं। हां भाई, कोई नया बंडल नहीं आएगा, बल्कि 2 नए गन स्किन आएंगे, जिसमें से एक गन स्किन रहेगा ये यूएमपी का स्किन और एक रहेगा पैराफेल का स्किन। अभी यार आप लोग स्क्रीन पर दोनों ही गन स्किन का रिव्यू देख पा रहे होंगे, एंड हां जितने हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि ये दोनों ही गन स्किन इस बार 1 अप्रैल के दिन हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होने वाले हैं, क्योंकि भाई इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी कई सारी वीडियोस में बता रखा है। हां गाइस, मैं अपकमिंग इवेंट्स के बारे में लगभग 2-3 हफ्ते पहले ही बता देता हूं, इसलिए बोलता हूं भाई सब्सक्राइब करो, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे ही चैनल पर मिलेगा। अब खैर यार, अभी मैं आप लोगों को मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में बता चुका हूं, मतलब कौन से गन स्किन आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, सब कुछ तो बता ही दिया है, एंड रिव्यू भी करवा दिया है। इसलिए गाइस उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। बाकी अभी हम लोग फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बार के OB44 अपडेट के एडवांस सर्वर के बारे में। हां तो गाइस सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देखो, ये है इस बार के OB44 अपडेट का एडवांस सर्वर, जो कि मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। और भाई इस बार का OB44 अपडेट का एडवांस सर्वर काफी ज्यादा स्पेशल है। जी हां गाइस, इस बार के एडवांस सर्वर के अंदर एक नया मस्त कैरेक्टर अवेलेबल है, जिस कैरेक्टर का नाम है काइरोस। आप लोग स्क्रीन में कैरेक्टर का रिव्यू देख पा रहे होंगे। भाई ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। भाई देखो, स्कल वाली इसकी खोपड़ी एकदम यूनिक सी है। बाकी मैं जानता हूँ अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इसका स्किल का रिव्यू करवा दो, तो देखो भाई इसका स्किल का रिव्यू मैं आप लोगों को बाद में करवा दूंगा, अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे इस बार के OB44 अपडेट का एडवांस सर्वर मिलेगा। हाँ तो गाइस देखो, मैंने अपने सेकंड चैनल पे OB44 एडवांस सर्वर स्पेशल एक वीडियो बनाया है, जहाँ पर मैंने आप लोगों को ये भी बता रखा है कि कैसे आप लोगों को अपडेट का एडवांस सर्वर मिलेगा, और ये भी बताया है कि कैसे आप लोग इस बार के OB44 अपडेट के एडवांस सर्वर को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन भाई इस बार के एडवांस सर्वर में गरीना ने अपनी एक टांग अटका दी। पहले ऐसा होता था कि एडवांस सर्वर जब भी आता था तो सभी लोग उसको खेल पाते थे, बट भाई इस बार जो OB44 का एडवांस सर्वर आ रखा है, ये अभी दो दिन
दिन पहले सिर्फ पार्टनर प्रोग्राम वाले बंदों को ही एक्सेस करने के लिए दिया गया है। हाँ गाइस, अगर कोई नॉर्मल बंदा एडवांस सर्वर को खोलने का अभी ट्राई करेगा तो उसको एक्टिवेशन कोड डालने पर एक्टिवेशन कोड इनवैलिड देखने को मिलेगा। भाई ये प्रॉब्लम सभी के साथ हो रही है और भाई करंट टाइम पर अभी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हाँ गाइस, अभी ये जो दो दिन पहले एडवांस सर्वर मिल रहा है बस फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम वालों के लिए है। अगर आप लोगों को एडवांस सर्वर खेलना है तो आप लोगों को 22 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। 22 मार्च को गाइस ये फ्री फायर का एडवांस सर्वर सभी नॉर्मल प्लेयर्स के लिए भी चालू कर दिया जाएगा। बट अभी दो दिन पहले ये जो फ्री फायर का एडवांस सर्वर आ रहा है इसको बस यार पार्टनर प्रोग्राम वाले बंदे खेल सकते हैं, क्योंकि पार्टनर प्रोग्राम वाले बंदों को एक स्पेशल कोड मिला है। वो स्पेशल कोड ही अभी के टाइम पे वर्क कर रहा है, बाकी जितने भी नॉर्मल प्लेयर है उनको तो एक्टिवेशन इनवैलिड दिखाएगा। बाकी फिर भी गाइस, अगर अभी आप लोग एडवांस सर्वर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो, एक बार ट्राई करना चाहते हो कि क्या पता आप लोगों का एडवांस सर्वर ओपन हो जाए, तो भाई मैंने सेकंड चैनल पे जो एडवांस सर्वर वाला वीडियो डाला है मैं उसका लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में दे दूंगा। आप लोग पिन कमेंट से वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, वहां पर से आप लोगों को एडवांस सर्वर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा एंड एक्टिवेशन कोड कैसे आप लोगों को निकालना है वो भी पता चल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वीडियो को चेकआउट कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज अभी गाइस मैं वीडियो में आप लोगों को काफी सारा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं, इसलिए यार अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में, जिन कमेंट्स को मैंने कल की वीडियो से पिक कर रखा है। हाँ तो भाई देखो, यहाँ पर जो आज का हमारा पहला कमेंट है, इस कमेंट में FF प्लेयर 2011 ने लिखा है, चीटी चढ़ी पहाड़ पे चीनी के वास्ते, चीटी चढ़ी पहाड़ पे चीनी के वास्ते, पहले नूब बंदे इज्जत करते थे प्रो बंदों की, डीजे आलोक के वास्ते। भाई भाई भाई, ये बंदे ने एकदम सही चीज लिखी है। पहले के टाइम पे यार नूब नूब बंदे मेरे ग्रुप में आते थे, वो लोग भी मुझको बोलते थे कि भैया आप बहुत प्रो हो, और फिर बोलते थे डायमंड दे दो, डीजे आलोक दे दो। खैर अब तो यार डायमंड वगैरह सभी के पास है, इसलिए हम आगे बढ़ते और देखते हैं हमारा अगला कमेंट, जिस कमेंट में एक स्टार गेमिंग ने लिखा है, उज्ज्वल भाई गरीना कभी नहीं सुधरेगा। ये बात है सही, और उज्ज्वल भाई अपने गरीना की बेटी भगा ली और हमें बताया भी नहीं। अरे अरे भाई देखो, मैंने कोई गरीना की बेटी नहीं भगा रखी है, और हाँ जिस दिन मैं गरीना की बेटी को भगाऊंगा सबसे पहले गरीना को बोलूंगा कि मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के मेल बॉक्स में 10,000 डायमंड भेजो, तभी तुम्हारी बेटी को मैं छोड़ूंगा। तो यार जिस दिन तुम्हारे मेल बॉक्स में 10,000 डायमंड आ जाए समझ लेना उज्जवल भाई का काम हो चुका है। हाँ तो भाई हमारे अगले कमेंट में बंदा लिखता है, सांप तो सांप रहेगा चाहे उसे कितना भी पालो, और फ्री फायर के इवेंट्स के मामले में उज्जवल भाई सबका बाप रहेगा। अरे भाई भाई भाई, ये तो सुपर से भी ऊपर कमेंट है, मजा ही आ गया। बाकी खैर यार अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते और देखते हैं हमारा अगला कमेंट, जिस कमेंट में रिटर्न गेमिंग FF ने लिखा है, ग्रेनेड को कहते हैं बम कि ग्रेनेड को कहते हैं बम, उज्जवल भाई की गर्लफ्रेंड को मिले और लेके भाग गए हम। अरे अरे भाई सच में बड़े बदतमीज हो यार, मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं, तुम उसको लेके भागने के लिए तैयार पहले से हो गए। हाँ सच में बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और जरा हमारा अगला कमेंट पढ़ो, जो कमेंट है हमारे लकी सब्सक्राइबर का। जी हाँ गाइस, सुरजीत गेमर हमारा आज का लकी सब्सक्राइबर है, क्योंकि कल की वीडियो में सबसे ज्यादा इसी बंदे ने कमेंट करे थे एंड अपने हर एक कमेंट में बंदे ने लिखा था उज्जवल भाई मेरा कमेंट स्क्रीन पर दिखा दो। अब यार ये बंदे ने इतना प्यार से बोला था, देखो यार मैंने इस बंदे का कमेंट पिक करके स्क्रीन पर दिखा दिया है। बाकी अगर गाइस अभी आप लोग भी चाहते हो कि मैं आप लोगों का कमेंट भी पिक करूं और आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी दूं, तो उसके लिए यार आप लोग भी आज की वीडियो में ढेर सारे कमेंट्स कर देना। जी हाँ गाइस, जितने ज्यादा आप लोग कमेंट करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस रहेंगे कि मुझे आप लोगों का कमेंट दिखे एंड मैं आप लोगों के कमेंट को स्क्रीन पर दिखाकर उसका रिप्लाई दूं। इसलिए यार अभी आप लोग कम से कम 8-9 कमेंट तो कर ही देना। बाकी मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से किसी और वीडियो में किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।